तो देखिए 10 मार्च को नतीजे आने के बाद से ही सियासी गलियारों में इस बात को लेकर गर्मा गर्मी थी कि कब होगा योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। अब तारीख का ऐलान हो चुका है। 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम यानी कि इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब आपको दिखाने जा रहे हैं इकाना स्टेडियम की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कैसा दिखेगा मंच, कौन कौन मौजूद रहेंगे, 25 मार्च को व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इतिहास में अंकित ये वो पल है जो फिर से दोहराया जाने वाला है और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने वाला है राजधानी लखनऊ में बना काना स्टेडियम। 10 मार्च को 22 के रण का परिणाम आने के बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब और कहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। तारीख भी तय हो चुकी है और जगह भी। पच्चीस मार्च को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और इस भव्य समारोह की तैयारियां होली से पहले ही शुरू हो चुकी थी और अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। भव्य समारोह के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। इकाना स्टेडियम जहां योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, आप देखिए मंच सज चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर का पोस्टर लगा हुआ है और ये मंच है। नीचे भी लिखा है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और मंच पर चाहे सिपाही हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम के हो, चाहे विकास प्राधिकरण के हो, सभी लोग चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, मुस्तैद हैं। इकाना स्टेडियम की एक तरफ बनाया गया है मंच जो काफी भव्य है क्योंकि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी के तौर पर कई मेहमानों को न्योता दिया गया है। उनके बैठने के लिए मंच पर व्यवस्था की गई है। दूर से एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा हुआ है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ग्रहण समारोह। इसके साथ ही एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नायक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। पूरा इकाना स्टेडियम भगवा रंग में रंगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों कर्मचारी लगातार शपथ ग्रहण समारोह को और भी भव्य बनाने के लिए जुटे हुए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों के अलावा 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हों अखिलेश यादव, मायावती, सभी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अन्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और साधु संत सन्यासी, मठ मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार से सभी को बुलाया गया है। रामदेव, सद्गुरु सभी आएंगे यहाँ पर। 45,000 से ज्यादा क्षमता का ये इकाना स्टेडियम भगवा से पूरा भर जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और 12 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है और इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 लेयर की होगी सुरक्षा व्यवस्था। मंच के आसपास मौजूद रहेगी एसपीजी। स्टेडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स पर है। वहीं हाई राइज बिल्डिंग्स पर एटीएस की कमांडो तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पूरे इलाके की निगरानी ड्रोन से रखी जाएगी। जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम होती है एक तो वो रहेगी और उसके बाद से वहाँ पुलिस के इंतजाम रहेंगे। हमारे पास काफी फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैरामिलिट्री भी हमें मिली है तो उन सबको मिला के हम लोग बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं या हमारे वीडियोग्राफी भी कराएंगे और ड्रोन इत्यादि से भी जहाँ परमिसेबल है हम वहाँ ट्रैफिक के सहूलियत के लिए उसका उपयोग करेंगे।
यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। करीब 200 वीवीआईपी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा साधु, संत, लेखक और साहित्यकार भी शामिल होंगे। करीब 45,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। तमाम वीवीआईपी और वीआईपी का भी आना प्रस्तावित है। उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी कराई जा रही है। जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, एक तो उसमें कुछ ट्रैफिक डायवर्शंस होंगे जो कि पहले से ही सभी मीडिया चैनलों को या प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को और हमारा जो लखनऊ कमिश्नरेट का अपना वेबसाइट है उस पर भी वो डिस्प्ले रहेगा, जिससे कि आम आदमियों को कोई कठिनाई न हो। ऐसे में किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए स्टेडियम के आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये तो अब तक आपने देखी कि कैसी होगी झलक 25 मार्च की, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा न सिर्फ इतिहास लिखेगी, साथ ही दोबारा सीएम न बनने वाले मिथक को योगी आदित्यनाथ तोड़ते हुए शपथ लेंगे। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कितना भव्य कान्हा स्टेडियम और कितना खास है कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ लेना। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।